हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक जिसका एग्ज़ाम 28 मई 2022 को आता, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। 1 से 40 तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट, बेराट का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, आहाड़ का SP जैन ने नहीं किया था, कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया था, बागोर का VN स्मरण मिश्रा ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आहाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत है 54.33%। कितना है? 54.33%, सबसे ज़्यादा यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो अरावली श्रृंखला में स्थित है बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, गिरवा पहाड़ियाँ, लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो फूल सागर कहाँ पर है? फूल सागर है बूंदी में, पांडुपोल कहाँ है? अलवर में, और किराडू मंदिर झालावाड़ में नहीं है, यह पड़ता है बाड़मेर में, चंद्रमहल है जयपुर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी 1921 में, ये सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी, ये भी सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में नहीं की, ये गलत हो जाएगा। और अगला है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 फ में क्या, अनुच्छेद 243 फ किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 नगर पालिका सदस्य के लिए निहर्ताओं से संबंधित है, नगर पालिका सदस्यों के लिए निहर्ताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? बेसरोडगढ़ को, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30 मई 2020 को राजस्थान में सड़कों का कुल लंबाई कितनी थी? 2,69,028.16 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं। 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया, 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? बूंदी की जो कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज बोलते हैं, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। परवन, निवाज और आहू नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये कालीसिंध नदी की सहायक नदियां है, परवन, निवाज, आहू। भेड़ की खेरी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? भेड़ की खेरी नस्ल जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग युग्मों लोक देवी और प्रमुख मंदिर कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन बारा में, नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ अलवर में, आवरी माता का मंदिर है आवा आसावारा चित्तौड़गढ़ में, और जिलाणी माता का मंदिर जासोल बाड़मेर में नहीं है, जिलाणी माता का मंदिर है अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान के स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तीमणिया, मांदलिया और टेवटा, ये तीनों गले में पहना जाता है, ओगनिया ये कानों में पहनती है महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, जोरावा गीत किससे संबंधित है? जोरावा गीत जैसलमेर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कौन सा शहर नहीं है? जयपुर भी है, अजमेर भी है, ब्यावर भी है,
लेकिन पाली जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नहीं पड़ता। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन से बांध में बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई? ब्राह्मणी बनास परियोजना। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है? उसको कहते हैं बाकर। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कपूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय की माता थी। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 कब पारित किया गया? 14 नवंबर 2011 को। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किसके द्वारा की गई? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई? जयपुर में किसके द्वारा? स्वाई राम सिंह सेकेंड के द्वारा। कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? BWSW गंगानगर में पड़ता है और BSSW जयपुर में नहीं। BSSW जयपुर में नहीं आता। जयपुर में कौन सा आता? CWG। जयपुर अलवर दौसा में CWG आता है, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला। और CWG कहाँ पर आता? अलवर में। और AW हाड़ोती वाले कोटा में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास पाया जाता है? गंगानगर और बांसवाड़ा में। दादूपंत में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? दादूपंत में सत्संग स्थल को कहते हैं अलग दरीबा। चिकनी कोतली किससे संबंधित है? ये चिकनी कोतली क्या है? शादी की एक रस्म है। अगला क्वेश्चन है, हूण गोरी किण पीवरी ये उपन्यास है। हूण गोरी किण पीवरी किसके द्वारा रचित है? याग्वेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? पूर्व पश्चिम गलियारा ये सिरोही से होकर गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है, भीलवाड़ा से भी गुजरता है, लेकिन झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। धन विधेयक है ये राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये मंत्री के द्वारा धन विधेयक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। तो इसका गलत आंसर हो जाता है कि कोई भी सदस्य इसको पारित पेश कर सकता है, ये नहीं है। ढूंढलोत किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोत किस जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोद हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष नहीं होता? मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट। ग्रियसन ने किस बोली को बीली बोली कहा है? ग्रियसन ने किस बोली को बीली बोली कहा है? वागड़ी बोली को। सुंदा प्रबंधन किसके द्वारा लिखा गया? ये कुंभा के द्वारा रचित सुंदा प्रबंध है। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसके द्वारा रचित है? द्विधा रचित है विजयदान देता के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? ये संस्कृत कॉलेज था, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का 1.16% जल राजस्थान में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 से 40 तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कंप्लीट होते हैं।
आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।